अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी तैयबा। मैं इंस्टाग्राम मॉडल हूँ। तो आज मैं आई हूँ हूरिया ब्यूटी सैलून पे। आप लोग देख सकते हैं मेरा मेकअप कितना प्यारा लग रहा है। तो आप लोग भी आएँ, आके इनको ज्वाइन करें। आई होप आपको मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक आपको खैर आफियत और खुश खुर्रम रखे। आप मेरे हक में भी दुआ किया करें, ठीक है? आज पाकिस्तान का मैच है तो वो भी दुआ कर लें कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी मॉडल है तैयबा, ये इंस्टाग्राम पे मॉडलिंग करती हैं। अभी फ़िलहाल जो है ना, जाहिर सी बात है छोटे लेवल पे काम करते हैं तो ज़्यादा वो फेमस नहीं होते। बहरहाल ये भी इंस्टाग्राम पर ही ड्रेसेस की जो है ना वो मॉडलिंग करती हैं। आप इनका फेस चेक कर सकते हैं कि काफ़ी ख़राब है, पिम्पल्स भी हैं, डार्क सर्कल भी हैं, और जनाब इन्होंने कोई भी स्किन ट्रीटमेंट भी नहीं लिया हुआ है, जिसकी वजह से डबल टोन इनकी फ़ेस की हुई हुई है। तो ऐसे फेसेस को आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसील करना है। तो पहले आप प्राइमर लगा लें। मैं जो है ना अभी इनको जो लगा रही हूँ वो मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। आप भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज़र भी एज ए प्राइमर ही काम करता है, यानी आपकी बेस को स्टे करता करवाता है और अच्छे तरीके से उसकी ब्लेंडिंग भी हो जाती है। तो आप देखिएगा, अब मैं इसको चाइनीज़ के साथ कंसीलर करूँगी। मैंने आप इससे पहले एक दो कंसीलर और भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन मुझे जो बेसिकली पसंद है वो चाइनीज़ ही पसंद है। इससे हर चीज़ बहुत अच्छी कवर होती है। तो ये देख लें, ठीक है? मैंने कोशिश की होती है कि जो मसला मसाइल मेरे साथ हो मैं दूसरों के साथ डिस्कस करूं, ताकि दूसरों को फिर वो प्रॉब्लम ना आए। ये ज़रूरी नहीं होती कि जो हम किसी से किसी के मसले को देख के सीख लें वो हमारे काम, वो बल्कि हमारे काम ज़्यादा आता है। कोशिश करें किसी की गलती से सीखने की, ताकि खुद गलत ना कर सकें, ठीक है? तो आपने ये कंसीलर, तो ये मैंने इनको कंसील कर लिया, ठीक है? और कोशिश की है कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो हल हो जाए। असल में मेरा दिमाग ना बार बार जहन जो है वो बट रहा है, क्योंकि हमारे नेबर में ना लड़के मेरे ख्याल से इकट्ठे होकर मैच देख रहे हैं, तो वो जब भी कोई सक्सेस उनकी होती है तो उस पर शोर मचा देते हैं, तो मेरा दिमाग भी दौड़ के उधर चला जाता है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोगों से एडवांस में माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है? ये मैंने जो यूज़ की है बेस इस दफ़ा वो आइवरी है। आइवरी का जो कलर टोन है वो बनस्पत 45 और 38 से ज़्यादा फेयर होता है, क्योंकि आजकल जो है वो फेयर बेस पे ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो मैंने भी फिर आप लोगों के साथ आइवरी ही यूज़ की है, लेकिन इसके साथ मैंने लिक्विड बेस भी ली है। लिक्विड बेस में मैंने शाइनर भी डाल दिया है पहले से, ठीक है? मिक्स कर दिए हैं दोनों चीज़ें। अगर मैंने 4 ड्रॉप इसके लिए थे लिक्विड बेस के, तो मैंने 2 ड्रॉप जो शाइनर के लिए, ताकि बेस हमारी ग्लॉसी हो जाए। मैंने एक दफ़ा किसी से सुना था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बेस हमारी बाद में थोड़ी देर में काली हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चूँकि वीडियो पहले बना चुकी हूँ, डबिंग दे रही हूँ, तो मैंने इसको बड़ी देर रखा है बेस को, मॉडल यानी कि हमारी काफ़ी देर बैठी रही है। हमारा लाइट इशू हो गया था, ये आप आवाज़ें सुन सकते हैं किस कदर तेज़ आवाज़ें हैं और कितना वो शोर मचा रहे हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को बहुत 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 कामयाबी दे, हम सबको भी दे। तो जी ये लिक्विड बेस जो है ये मैं अप्लाई इस पर कर रही हूँ, ठीक है? मैं फिंगर से ज़्यादा काम करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे आदत पड़ी हुई है, लेकिन ये स्पॉन्ज से भी आप इसको अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, फैला सकते हैं, ठीक है? और टैबिंग के ज़रिए आपने काम करना है सारा, उसको रब करके नहीं करना। तो इनकी स्किन ऑलरेडी थोड़ी ख़राब है, रबिंग से ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ट्रांसल्यूशन पाउडर के ज़रिए हम इसको फिक्स कर देंगे। मैंने पहले भी कहा था पाउडर लगाने से घबराना नहीं है, भर भर के लगाना है, ठीक है? ताकि वो बाद में जो है हमारा उसके ऊपर कई दफ़ा आई शेड गिर जाता है या कोई और कलर भी कुछ ऐसा इशू हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाता होता है, ठीक है? अब ये देखिए, आज मैंने बहुत ही करीब करके आपके साथ आई मेकअप को डिस्कस करना है, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि मैंने आज जो लाइनर दिया वो कैसे क्रिएट किया। मैंने लो अंडर द आई जो आपकी आईलिड है उसके नीचे से मैंने इनको आईलाइनर देना है, ठीक है? और जो कलर है वो मैंने रेड के साथ और ब्राउन को यूज़ किया है, और थोड़े से जो ये देखें जो कलर हम ऊपर लगाएंगे ना ब्राउन, वही मैंने आँख के नीचे भी अप्लाई किया है। स्वीट टच की पेंसिल से मैंने एज ए काजल यूज़ किया है और उसी को मैंने नीचे भी लगाया है अपनी आँख के नीचे। अब ये देखें, लाइनर जो है वो मैं नीचे से दे रही हूँ, ठीक है? आज मैंने अपनी मॉडल की आँख पे ऊपर लाइनर नहीं देना। हाइलाइटर वो आप डल गोल्ड या सिल्वर दोनों लगा सकते हैं, मुझे सिल्वर ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत अच्छा नुमाया नज़र आता है।
आईब्रो पे भी मैंने उसी तरह काम किया, पहले लोअर एंड अपर लाइन को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इसके अंदर हल्के हाथ से फिलिंग की है। फिलिंग बस हल्के हाथ से इसलिए की जाती है कि वो अच्छी नहीं लगती एकदम से, अगर वो जमा के बना दी जाए, नेचुरल लुक ही आना चाहिए उसका। ये मेरी दोनों आईज़ रेडी हो चुकी हैं, नोज़ को कॉन्टोरिंग की है क्योंकि मेरी मॉडल का नोज़ भी बहुत छोटा सा है, मुझे वैसे छोटे छोटे नाक पसंद है, उनको जैसे मर्जी आप क्रिएट कर लें। जो मेरी पिछली मॉडल थी उनकी नाक बहुत तीखी होती थी और मुझे बड़ी आवाज़ारी सी आती थी कि मुझे तो फीना नाक पसंद है, समझ सकते हैं ना आप लोग, छोटे छोटे नाक अच्छा लग रहा है। ब्लश ऑन भी मैंने दिया है, साथ में मैं नोज़ पे भी ब्लश ऑन देती हूँ, बड़ा अच्छा पिंकी सा लुक आता है। ये देखिए आप, ये हमारा फाइनल लुक है और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये आज का शूट हमने बाहर किया है, अल्लाह करे आपको ये भी सारा पसंद आए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो तक फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।